हेलो फ्रेंड्स, आप सबके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आप सबके सामने आप लोगों को दिख रहा होगा कि UGC ने दो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे डिटेल्स, डेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को ओपन करना होगा, जो नीचे वाला है उसमें आप लोगों को सिर्फ बताया गया कि आप लोगों को इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, वेबसाइट प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ इसको, तो ये रहा। ठीक है, जिसमें अब जो फर्स्ट था उसमें बताया गया था कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए JEE Main के परीक्षा में अपीयर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, पास होना या फिर कट ऑफ पास करना ये ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ उसमें अपीयर्ड होना ज़रूरी है NTA JEE Main जनवरी या फिर सितंबर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को बताया गया कि सेम चीज़ है, NTA JEE Main के एग्ज़ाम में अपीयर्ड होना ज़रूरी है। आप लोग ऊपर वाले लाइन में देख सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, स्टेप वगैरह है, ये सब बातें आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट फॉर UGC 2020। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 12 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 26 अक्टूबर को। ठीक है, पेमेंट आप लोग कर सकते हैं लास्ट 28 अक्टूबर तक, और आप लोग एडिट कर सकते हैं 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, और मेरिट लिस्ट का जो आने वाला है वो आने वाला है 31 अक्टूबर को। ठीक है, रात के 8 बजे 31 अक्टूबर को। इसके मेरिट लिस्ट में क्या होता है, आप लोग जैसे कि JEE Main का स्कोर कार्ड मिलता है, ठीक है, उसमें आप लोगों का रैंक दिखाया जाता है। ठीक है, आप लोगों का रैंक कितना है और जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक, उसी तरह से इसमें भी होता है, जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक दिखाई जाती है। उसके बेसिस पर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं, और काउंसलिंग का डेट बाद में डिस्कस किया जाएगा, अभी तक आया नहीं है, इतना ही डेटा आया अभी तक। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह देख सकते हैं कौन से लगेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर 7-8 स्टेप दिए गए हैं एप्लीकेशन को फिल करने के लिए, और यहाँ पर फ़ी देख लेते हैं, ₹1200 लगेंगे जनरल और BC EBC कैंडिडेट के लिए, और 600 SC ST एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और भी कुछ, ठीक है, बाकी सारा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे पुरानी ही स्टेप्स हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। आप लोग बता दें कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो है BUG EAC का नया वाला, हम लोग उसको थोड़ा सा लंबा पेज का है, उसको पढ़ के अच्छे से देख कर कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं लास्ट ईयर के और इस ईयर के साथ। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये वाला अपडेट अभी नया आया है, तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।